Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is friction. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन हम डिस्कस कर रहे थे. लॉज ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है आपका फ्रिक्शन, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में से आपके बहुत सारे पार्ट्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट्स जो हमारे काम के चीज है जिसको हमें पढ़ना चाहिए. जैसे लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये फंडामेंटल है फिजिक्स के, तो इसलिए उसको स्टडी करना जरूरत है, तो इसलिए हमने उसको डिस्कस किया है. ठीक ना, मोमेंटम सिलेबस में से हट चुका था, मोमेंटम भी हमने डिस्कस किया है. क्यों? क्योंकि मोमेंटम भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिना मोमेंटम पढ़े आप फिजिक्स की स्टडी नहीं कर सकते हैं. वैसे ही इम्पल्स है, इम्पल्स का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में. तो जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं. जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो सिलेबस में से डिडक्ट हो चुके हैं, वो सारे टॉपिक्स हमने हटा दिए. तो लॉज ऑफ मोशन में एक न्यू टॉपिक्स आता है फ्रिक्शन. ठीक ना, फ्रिक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मीन्स क्या है. फ्रिक्शन बेसिकली इट इज अ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स मीन्स, लेट अस सपोज कि वी हैव अ प्लेन, जैसे कोई एक प्लेन है, ठीक, जैसे आपका फ्लोर हो सकता है या टेबल का सरफेस हो सकता है. इस टेबल सरफेस पे यहां पे क्या करते हैं, लेट अस सपोज एक ब्लॉक रखा है उसके ऊपर, और इस ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको क्या करते हैं, पुश कर देते हैं, धक्का दे देते हैं इसको. तो हमें पता है ये ब्लॉक जो है इंस्टेंटली मोशन के स्टेट में आएगा, एंड अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा. मतलब वो ए से उस पर, ए पे हमने एक फोर्स लगाया था एफ, एंड ए फोर्स के बाद, सॉरी ए पोजीशन पे उस पर फोर्स लगाने के बाद वो कहां पे पहुंच गया, बी पे, और यहां पे आके ये किस में आ जाता है, रेस्ट में. तो इंस्टेंटली जब इस पर फोर्स लगता है तो फोर्स के कारण वो मोशन के स्टेट में आता है, एंड मोशन के बाद वो किस में आ जाता है, रेस्ट में. हमने देखा है हर चीज होता है. ठीक है, फ्लोर पे कोई भी गेंद को आप लुढ़का दीजिए, वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. ठीक है, टेबल के ऊपर आप बुक पे एक फोर्स लगाइए, मोशन दीजिए, कुछ सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद रेस्ट में आ जाएगा. तो इसका मतलब है अगर न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हम रिकॉल करते हैं, या फर्स्ट लॉ को रिकॉल करते हैं, फर्स्ट लॉ को अगर रिकॉल करेंगे तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो इट मीन्स वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा. तो सर्टेनली जब यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, इसको यूनिफॉर्म मोशन दिया, अगर यहाँ पे कोई इसके मोशन के ड्यूरेशन में अगर कोई फोर्स इसमें एक्ट नहीं करता, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये बॉडी जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ऐसे ही चलता रहता, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन के ही स्टेट में रहता है, कभी भी वो रुकता नहीं है. लेकिन ये रुक रहा है, इट मींस इस मूविंग ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स जो है अपोजिंग फोर्स है. अपोजिंग मींस कि वो मोशन को अपोज कर रहा है. मोशन को अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ए से हमने इसको, ए से इसको मूव किया, वो बी पे जाके रुक गया, बी पोजिशन पे जाके रुक गया. इसका मतलब इस पर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा था, जो इसके मोशन को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था. ठीक ना, दिस अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स. मतलब फ्रिक्शन फोर्स ही एक्ट कर रहा था यहां पे, जो इस बॉडी को क्या कर रहा था, अपोज कर, मतलब इसको रोकने की कोशिश कर रहा था. यहां पे बॉडी आगे जा रहा था, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा था, यहां पे उसको रोकने की कोशिश कर रहा था. तो फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट होता है, फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट होता है, जब दो बॉडी मूव करते हैं ओवर अ सरफेस, या हम कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी मूव ओवर अ सरफेस, किसी एक सरफेस के ऊपर अगर वो मूव कर रहा है, तो इट मींस उस मोशन के ड्यूरेशन में उनके कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस पे, जिस जगह पे ये कॉन्टेक्ट हो रहा है, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस पे क्या लगता है आपका, फ्रिक्शन फोर्स लगता है. एंड फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन, एंड इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन. जैसे लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ, स्मॉल ऑफ एफ, तो स्मॉल ऑफ एफ इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एंड इट इज टेंजेंशियल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस. जो आपका कॉन्टेक्ट सरफेस होगा, उसी कॉन्टेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल होगा. ठीक है, क्लियर है. तो
फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमेशा मोशन को अपोज करता है। अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है तो उसके मोशन को अपोज करता है वो, ठीक। किस डायरेक्शन में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मोशन इज ऑलवेज, सॉरी, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस। हमेशा सरफेस के क्या होगा, जो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस है, जहां पे दोनों चीजें क्या अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, उस कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस के टेंजेंशियल होगा। इज इट क्लियर? सो नाउ फ्रिक्शन फोर्स की अगर डेफिनेशन लिखेंगे, वेन एवर अ बॉडी मूव्स ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, a force comes into a play to oppose the motion of first body play which acts parallel, या हम इसमें tangential भी use कर सकते word, which parallel to the contact surface and it oppose the motion of the body, contact surface and oppose the relative motion, ठीक ना। और यहां पे मतलब इस अपोजिंग फोर्स को, this opposing force is called friction force. ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, अ फोर्स कम्स इनटू अ प्ले व्हिच एक्ट पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस एंड अपोज द रिलेटिव मोशन, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। यहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब एक बॉडी के ऊपर जब दूसरा बॉडी मूव करे तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव करे ना, तो उसको हम रिलेटिव मोशन कह रहे हैं। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? Direction of friction force is always opposite the relative motion. रिलेटिव मोशन, ठीक ना। तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपका जो रिलेटिव मोशन है उस रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। इज इट क्लियर? लेट अस सपोज जस्ट लाइक दिस कि जैसे एक सरफेस, एक बॉडी है, यहां पे एक दूसरा बॉडी है। लेट अस सपोज ये वाला बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये वाला बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉडी पे, लेट अस सपोज उसका नाम दे देते ए, उसका नाम दे देते बी। ए बॉडी पे जो फ्रिक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा एफ ए, एंड एफ बी बॉडी पे जो फ्रिक्शन होगा वो इसमें इस डायरेक्शन में होगा। तो जो रिलेटिव मोशन है उस रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। इज इट क्लियर? सुनो, नेक्स्ट इज नॉर्मल फोर्स। या सबसे पहले हम टाइप ऑफ फ्रिक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद टाइप ऑफ फ्रिक्शंस देखते हैं। कॉन्टैक्ट
फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स वेन लेट अस सपोज वी हैव अ सरफेस, दिस इज अ सरफेस, और इस सरफेस पे इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये किसी भी चीज का एक सरफेस हो सकता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का सरफेस हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से। सो नाउ वी नो दैट ये ऑब्जेक्ट ए और बी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एंड पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होते हैं। तो इसका जो पार्टिकल है, बी का पार्टिकल ए के पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है, एंड ए का पार्टिकल बी के पार्टिकल पे क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। एंड ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस होंगे, उस फोर्स को ही हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। जस्ट लाइक इस डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड कॉन्टैक्ट फोर्स के अगर दो कंपोनेंट करेंगे, तो वन कंपोनेंट इज लाइक दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। और इसी कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर एक नॉर्मल कंपोनेंट बनाते हैं, एंड दिस इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो जब भी कोई भी बॉडी कहीं पे भी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रखा होता है, तो उस बॉडी पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, इनके अपोजिट होगा, मतलब सॉरी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो है आपका न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है, या न्यूटन के थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है। अगर बी ए पे इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है, तो ए बी इस पे बी पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, जस्ट लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये फोर्स बी ए पे लगा रहा है, और ये वाला जो फोर्स है वो ए बी पे लगा रहा है। जस्ट इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, और इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल होगा। तो इसका भी क्या जाएगा, जब ये सारे कंपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, तो उस सिचुएशन में कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सर्फेस के ऊपर क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, ठीक है ना। तो इन दिस सिचुएशन दिस बॉडीज आर इन रेस्ट, क्लियर है। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स के नॉर्मल कंपोनेंट को हम नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, बस थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, सुनो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन क्यों एक्ट करता है, क्या रीजन है फ्रिक्शन का एक्ट करना, या फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस होता है किसी भी टू सर्फेसिस के बीच में। सुनो वी नो दैट फ्रिक्शन जो है वो आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉरी इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन नेचर में अगर देखेंगे हम, फोर फंडामेंटल फोर्सेज है हमारे पास, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, एक न्यूक्लियर फोर्स है, बिग न्यूक्लियर फोर्स है। तो जो फोर फंडामेंटल फोर्सेज है, उसमें से जो एक पार्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो फ्रिक्शन जो है वो आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्जेस के बीच में फोर्सेस लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब ऐड करते हैं, व्हेनेवर टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस q1 एंड q2, जब दो चार्जेस पार्टिकल के बीच में कुछ सेपरेशन होते हैं, तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो नाउ सेम यहां पे सेम प्रोसेस होता है, जस्ट लाइक दिस वी हैव अ सरफेस, और इसके ऊपर एक अनदर बॉडी को हमने इस तरीके से प्लेस किया है, ठीक है। अच्छा, जब इस बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, क्या करते हैं,
जब इस बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक, तो इस कंडीशन में ये बॉडी आगे की तरफ मूव करता है। जब ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगा जस्ट लाइक दिस, ये एक सरफेस है, ये ऊपर सरफेस है, जब ये ऊपर वाला जो बॉडी है इस सरफेस पे जब मूव करता है तो यहाँ पे क्या होता है, रविंग होती है, दोनों सरफेसेस के बीच में रविंग होती है, रब करते हैं ये एक दूसरे को। जब यहाँ पे रविंग होती है तो इस प्रोसेस में कुछ हीट, स्मॉल सा अमाउंट में क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और जैसे ही हीट जनरेट होता है तो इस कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस पे जो एटम्स होते हैं वो एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो एक एटम की प्रॉपर्टीज होती है जस्ट लाइक दिस, लेट अस सपोज ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है, तो अगर ए की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ए का जो एटम्स है कॉन्टेक्ट सर्फेस पे जो एटम्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ पे लूज करेगा। जैसे उसको लूज करेगा तो बी के एटम्स जो कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया पे है वहाँ पे जो एटम्स होंगे वो उसको क्या करेगा, गेन करेगा। इससे इस तरीके से ए बॉडी पे एक नेगेटिवली चार्जेस आ जाते हैं और बी सर्फेसिस पे क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। जब इन दोनों के बीच में एक चार्ज क्रिएट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है जो इस बॉडी को आगे जाने से रोकता है, क्योंकि जब इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव जैसे आगे जाने की कोशिश कर, पीछे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करेगा, उसको पुल करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब पॉजिटिव उसको पुल करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है दोनों सर्फेसिस या दोनों कॉन्टेक्ट ऑफ सर्फेस पे, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो इट इज अ ओरिजन ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखेंगे तो इस कॉन्टेक्ट ऑफ सर्फेस, ये आपका प्लेन ना होके क्या होता है, प्लेन ना होके कुछ इस तरीके का सर्फेसेस होता है यहां पे, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे या माइक्रोस्कोप से देखेंगे किसी भी सर्फेस को, ये फ्लैट ना होके ये थोड़ा सा क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है इस तरीके से। इसके ऊपर जब किसी दूसरे बॉडी को रखा जाता है तो इस बॉडी का सरफेस भी फ्लैट ना होके ये भी क्या होता है, कुछ इस तरीके से इसका सरफेस भी होता है उबड़ खाबड़, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे ये एक सरफेस है, जैसे आपका ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, देखिए इस तरीके के सरफेसेस होते हैं ये। जब ये मूव करता है एक दूसरे सरफेस के ऊपर तो यहां पर यह लॉक्ड हो जाते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन जब इस पोर्शन में आ जाता है तो यहाँ पे ये लॉक्ड हो जाते हैं। जैसे लॉक्ड हो जाते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो ये क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है। यहाँ पे जब लॉक, इन दोनों के बीच में जब ये लॉक्ड हो जाते हैं लॉक्ड, तो यहाँ पे क्या करता है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लॉकिंग हो रहा है सर्फेसिस सर्फेसिस के बीच में, जो गैप्स होते हैं इन गैप के बीच में जब लॉकिंग होती है, ये क्रिएट करता है आपका क्या, फ्रिक्शन, ठीक ना। तो सेम यहाँ पे वही प्रोसेस है, क्योंकि जब यहाँ पे रब होगा तो क्या होगा, एक सरफेस की प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दूसरी की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इससे क्या होगा, एक सरफेस स्लाइडली पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा सरफेस स्लाइडली नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही ओरिजिन है किसका, फ्रिक्शन का, ठीक ना। तो फ्रिक्शन जो है बेसिकली क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके का फोर्स है, तो फ्रिक्शन इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है या फ्रिक्शन का ओरिजिन है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन देखिए अभी इसको थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक्स फ्रिक्शन, स्टैटिक्स फ्रिक्शन, सेकेंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, डायनेमिक, क्या बोलते हैं इसको, डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोला जाता है।
चलो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? जस्ट लाइक दिस, लेट अस सपोज वी हैव अ सरफेस, इसके ऊपर एक बॉडी है, ये एक बॉडी है आपका ए, ठीक है। अगर इस बॉडी को इस सरफेस के ऊपर मूव कराने की कोशिश करते हो तो इनिशियली इस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं एफ, स्मॉल सा फोर्स अप्लाई करें, बहुत ही नेग्लिजिबल सा फोर्स हमने यहां पे क्या करा, अप्लाई करा, ठीक है। जैसे नेग्लिजिबल सा फोर्स अप्लाई करेंगे एट अ इंस्टेंट इस पर एक फ्रिक्शन वर्क करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्या करेंगे, जैसे ही यहां पे एक फोर्स एक्ट करेगा, जैसे एक फोर्स थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं इस ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए, तो एट अ इंस्टेंट क्या होता है, इन दोनों दोनों बॉडी या ऑब्जेक्ट के सरफेस पे या कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस के टेंजेंशियली जो होगा वो हमारा एक छोटा सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करेगा, इनिशियली क्या करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, इनिशियली इस फोर्स को क्या करेगा, ये बैलेंस करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इनिशियली ये जो अप्लाइड फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स के कारण इस दोनों बॉडी के कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस पे एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, दैट इज एफ एस। अब हम क्या करते हैं, इस एफ के वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं, इनिशियली क्या करेंगे, इसको हम इंक्रीज करेंगे। तो इसको इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, मतलब इसके पास, इस सरफेस के पास नेचर ऐसा आ रहा है कि ये पूरी तरीके से पहले तो कोशिश कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहे, तो रेस्ट में रखने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन वर्क कर रहा है यहां पर, उस फ्रिक्शन को वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते जाएंगे आपका ये वाला फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा, एक ऐसा पर्टिकुलर पोजीशन आएगा या पर्टिकुलर इंस्टेंट आएगा जिस इंस्टेंट पे अगर इस फ्रिक्शन, इस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को अगर हम थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देते हैं, जैसे लेट अस सपोज इस फोर्स को हमने इंक्रीज किया 0 से 10 न्यूटन तक, 0 से 10 न्यूटन तक इंक्रीज किया, तो 0 से 10 न्यूटन तक इंक्रीज करने पर इसका फ्रिक्शन भी इंक्रीज हुआ, उसको बैलेंस करता गया, इसको क्या करता गया, बैलेंस करता गया। अब हमने क्या करा, 10 से अगर थोड़ा सा भी फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते, लेट अस सपोज 10.1 न्यूटन फोर्स हमने क्या करा, इंक्रीज करा, हमने ये देखा कि अब जैसे ही 10 से ज्यादा फोर्स हम एक्ट करते हैं ये बॉडी यहां पे क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, क्या करने लगता है, मूव करने, मतलब अब अगर हम इस अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं 10 न्यूटन से बियॉन्ड, तो अब इस सरफेस के पास एबिलिटी नहीं है कि अब उस बॉडी को रेस्ट पे रख सके, ए बॉडी को क्या कर सके, रेस्ट पे रख सके। तो मतलब ये जो मैक्सिमम लिमिट है जहां तक ये बॉडी रेस्ट में था, या जिस मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स को उसने क्या कर सका, क्या करा, बैलेंस किया, या उसको रोकने की कोशिश किया, उस मैक्सिमम फ्रिक्शन या मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इससे पहले 0 से 10 के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा था, 0 से 10 न्यूटन के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा था, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका एट अ रेस्ट पोजीशन पे लगता है, जब आपका बॉडी क्या होता है, रेस्ट में होता है, और वो टेंड टू मूव, मतलब मूव करने की कोशिश करता है या मूव करना चाहता है। तो जिस पीरियड, जिस टाइम ऑफ पीरियड तक वो बॉडी रेस्ट में रहता है, उस सिचुएशन में उस पर जो फ्रिक्शन वर्क करता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद जब स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, इट इज अ मैक्सिमम लिमिट, मतलब अब इस लिमिट से और ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ ही नहीं सकता है, मतलब अब बॉडी को वो रेस्ट में रख ही नहीं सकता है, अब बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, डेफिनेटली मूव करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की उस मैक्सिमम लिमिट को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद बॉडी क्या हो जाएगा, मोशन के स्टेट में आ जाएगा, बॉडी मूव करेगा, एंड उस मोशन के ड्यूरेशन में उस ऑब्जेक्ट को या उस मूविंग बॉडी को कंटिन्यूअसली मूव कराने के लिए हमें एक स्मॉल अमाउंट में फोर्स उसको सप्लाई करता रहना पड़ेगा। अगर हम एक स्मॉल अमाउंट में फोर्स उसको देते रहेंगे तो बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट पर रहेगा, अगर हम
फोर्स उसको सप्लाई नहीं करेंगे या फोर्स सप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी जो है वो क्या जाएगा, एक टाइम इंटरवल के बाद वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो इसका मतलब है इस बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन या इस बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए हमने जो फोर्स यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में अप्लाई किया है और उस मोशन के ड्यूरेशन पे मोशन के अपोजिट में जो फ्रिक्शन वर्क करता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन जो है बॉडी कब ये कब मूव एक्ट करेगा, व्हेन अ बॉडी मूव ओवर अ सरफेस, मूविंग स्टेट में, मूविंग स्टेट में वर्क करेगा। इज इट क्लियर? स्टैटिक फ्रिक्शन आपका रेस्ट में वर्क करता है, जब बॉडी रेस्ट में होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब आपका बॉडी किसमें होता है, मूविंग स्टेट में होता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन यहां पर लिखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शंस, लिमिटिंग फ्रिक्शंस एंड डायनेमिक फ्रिक्शंस का। यहां पे दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस होगा। काइनेटिक फ्रिक्शंस का जो वैल्यू है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आप जब साइकिल चलाते हैं ना, कभी आपने इसको एक्सपीरियंस क्या होगा, जब आप साइकिल चलाते हैं तो इंस्टेंटली जब आपका साइकिल रेस्ट में होता है और रेस्ट जब उसको मोशन के स्टेट में लाने की आप कोशिश करते हैं तब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे एक बार आपकी साइकिल चलना स्टार्ट कर देता है उसके बाद उसकी कंटिन्यूअसली मोशन के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब साइकिल को कंटिन्यूअसली चलाए रखने के लिए आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब है जब वो मोशन के या मोशन को वो टेंड करता है, मोशन के स्टेट में जब वो आना चाहता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है और जब साइकिल आपका मूव करता है तो उस केस में उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है। तो जब मोशन के स्टेट में काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है दूसरे उसको चलाने के लिए, साइकिल को चलाने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन जब वो स्टेट में होता है मोशन सॉरी रेस्ट में होता है और रेस्ट से जब उसको अब मोशन के स्टेट में लाना चाहते हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन से गुजरना पड़ता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में आपको सबसे ज्यादा फोर्स उस साइकिल पे, उस साइकिल के पैडल पे लगाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? सो नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, इन तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया है। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू द प्ले, विच कम्स इन टू द प्ले, कम्स इन टू द प्ले बिटवीन द टू, बिटवीन द टू बॉडीज, बिफोर टू बॉडीज, before the one body, before the one body actually starts moving over the second body, over the second body या another body, second body is called static friction, static या static friction and it is represented by FS। किसे represent करते हैं उसको, हम FS से represent करते हैं। kinetic friction, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन,
लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस मैक्सिमम। किस रिप्रेजेंट करेंगे इसको? एफ एस मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट जो है या मैक्सिमम फोर्स जो है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स प्ले, विच कम्स इनटू प्ले, कम्स इनटू द प्ले बिटवीन द टू बॉडीज, बिटवीन द टू बॉडीज, बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन अ बॉडी मूव ओवर अ another surface is called kinetic friction। तो इस condition में क्या करेंगे, over a surface of another body is called kinetic or dynamic friction and it is represented by Fk। और इसको जो हम represent करते हैं, इसको हम Fk से represent करते हैं। और इन तीनों में हमेशा आपको एक कंडीशन से याद रखना है कि एफ एस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल, एफ एस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल एफ एस मैक्सिमम एंड एफ के इज ऑलवेज लेस देन, इट इज ऑलवेज लेस देन एफ के। मतलब ये हमेशा एफ एस मैक्सिमम से क्या होगा, हमेशा लेस होगा, इसके इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, हमेशा क्या होगा इसका लेस होगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी चीज, जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होगा ये हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब जब मोशन के स्टेट पे आ जाएगा बॉडी, अब काइनेटिक फ्रिक्शन उसके वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो नेचर ऑफ सरफेस पे भी अब डिपेंड नहीं करेगा, इसका वैल्यू जो है टू सर्फेसिस के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सर्फेसिस को चेंज करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट मींस अब आप अपने मोशन को स्लो करो या एक्सेलरेट करो, उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू आप फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो हमेशा कैसा रहेगा, पूरे मोशन के ड्यूरेशन में काइनेटिक फ्रिक्शन आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में अगर अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, तो इस सिचुएशन में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। इस कंडीशन में केवल हम क्या करें, बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल है या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। सेकंड केस में इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ के, मतलब अप्लाइड फोर्स जो है वो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में आपका मोशन एक्सेलरेट होगा। कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेट मोशन होगा, मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और इस सिचुएशन में जो इसका एक्सेलरेशन होगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस एफ के बाय एम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। ये इसमें नेट फोर्स हो जाएगा और फ्रिक्शन जो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा आपका वो एफ माइनस एफ के अपॉन एम हो जाएगा इस सिचुएशन में। एंड लास्ट कंडीशन, इफ एफ इज लेस देन एफ के, मतलब अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से लेस है, तो इस सिचुएशन में जो आपका मोशन होगा वो डी एक्सेलरेट होगा या रिटार्डेशन होगा, ठीक है।
मोशन कैसे होगा, रिटार्डेशन होगा, डी एक्सेलरेट होगा। अब बॉडी जो है कुछ सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, और इस सिचुएशन में जो आपका एक्सेलरेशन होगा डेट इज माइनस ऑफ एफ माइनस एफ के बाय एम। ठीक है, इस सिचुएशन में इसका जो एक्सेलरेशन होगा, सॉरी डी एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, वो माइनस में होगा, तो माइनस ऑफ एफ माइनस एफ के अपॉन एम। तो ये हो गया हमका स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। या इससे पहले एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाऊं आपको मैं, इससे पहले एक ग्राफ बनाते हैं कि अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स के बीच में, अप्लाइड फोर्स एफ एंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो इनिशियली जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो आपका स्टैटिक फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होगा दैट इज एफ एस। अप्लाइड फोर्स इंक्रीज, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, मतलब स्टैटिक फोर्स या सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका इंक्रीज होगा। एंड आफ्टर देन जब स्टैटिक फोर्स आपका मैक्सिमम, इसके आगे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो ये स्ट्रेट ना जाके कुछ इस तरीके से यहाँ पे इरेगुलेट होगा, और इसके बाद ये इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये स्ट्रेट है, मतलब अब अप्लाइड फोर्स कितना भी अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फ्रिक्शन यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया। एंड दिस कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन इज नोन एज एफ के, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम फोर्स, जहां पे ये मैक्सिमम है वैल्यू, जहां पे मैक्सिमम है, दिस इज एफ एस मैक्सिमम, दिस इज एफ एस मैक्सिमम। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। एंड आफ्टर देन मैक्सिमम के बाद फिर फोर्स धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड आफ्टर देन क्या जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो ये आपका ग्राफ बनेगा अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स के बीच में। सुनो, नेक्स्ट इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, देखिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, के क्या लॉज है फ्रिक्शन के, क्या लॉज है। फर्स्ट लॉ है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, मतलब ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस स्मूथ है, पॉलिश्ड है, तो उस केस में आपका फ्रिक्शन कम होगा। अगर सरफेस बहुत ही ओवरथावड़ है तो उस कंडीशन में बहुत ही मतलब प्लेन ना होके, स्मूथ ना होके, ठीक ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बहुत सारे सैंड्स वगैरह डाल देते हैं, सरफेस को रफ कर देते हैं, तो रफ सरफेस का फ्रिक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, फ्रिक्शन क्या करता है, सरफेस के नीचे पे डिपेंड करता है किस तरीके का सरफेस है। सेकंड, इसमें इट्स डिपेंड्स ऑन द, फर्स्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स आपका जो एरिया है, जिस एरिया पे वो कांटेक्ट में है, मतलब दो सरफेस है, दो सरफेस एक दूसरे से कुछ ना कुछ एरिया
इनक्लोज करेगा, दोनों का कॉन्टैक्ट सर्फेस एरिया होगा, तो उन कॉन्टैक्ट सर्फेस एरिया से इंडिपेंडेंट होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो आपके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, छोटा सा एरिया इंक्लोज कर रहा है या बड़ा एरिया इंक्लोज कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक एरिया के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आपका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सर्फेस एज सो लॉन्ग एज द कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे जो आपका नॉर्मल फोर्स है या आपका रिएक्शन फोर्स है आर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो। सेकेंड एंड थर्ड लॉ, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो सब सारे जो लॉस पढ़े हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्ट टेंजेंशियली टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, मतलब जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उस कॉन्टैक्ट सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट करता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं उसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स आर। लेट अस सपोज दिस, जैसे ये सरफेस है, एक मास है, इसका वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा आर, तो जो इस पर जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा एफ एस मैक्सिमम, ये एफ एस मैक्सिमम जो है आपका किस पर डिपेंड करेगा, वो रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। जस्ट लाइक दिस, इसको हम समझते हैं कि जैसे आपके पास 1 केजी का एक मास है और आपके पास एक 10 केजी का मास है, फ्रिक्शन किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है कि जिसका 10 केजी वाला मास जो है, 10 केजी वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसका फ्रिक्शन होगा, सरफेस वगैरह सेम है, सब मटेरियल सब कुछ सेम है, तो 1 केजी वाला ऑब्जेक्ट उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं, जो 10 केजी वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको मूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब वहां पे लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बेसिकली डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, mg, और mg का रिएक्शन जो होता है वो कितना होता है इसका, नॉर्मल फोर्स r। तो यहां पे सिंपल सी बात है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल फोर्स r के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देन fs मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू r, इज प्रोपोर्शनल टू आर। और यहां से जब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, तो यहां पे आपका आएगा एक म्यू एस कॉन्स्टेंट, दैट इज एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर, वेयर म्यू एस इज नोन एज कॉन्स्टेंट कोफिशियंट एंड म्यू एस इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन। तो यहां पे जो म्यू एस एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, म्यू एस इसको हम कहेंगे कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड म्यू एस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम बाय आर, एफ एस मैक्सिमम बाय आर, ठीक। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, म्यू एस का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स का रेशियो है, जब फोर्स का रेशियो है तो इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, और इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, का कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स, इट इज द रेशियो ऑफ, आप लिख लेंगे डेफिनेशन इसका, म्यू एस का,
द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स आर, ठीक है ना, तो इसके रेशियो को ही सेम लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज भी सेम है कि वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर है, सेम लॉज है, खाली फोर्थ जो लॉ है वो चेंज है. लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ यहां पे लिख देता हूं काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज भी सेम है, थ्री लॉज जो है आपका सेम है. देखिए फर्स्ट इट इज अ इंडिपेंडेंट, सॉरी इट इज अ डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा. इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एज वेल एज कि अगर आर आपका कॉन्स्टेंट है तो एरिया ऑफ जो कॉन्टैक्ट है उस पर इंडिपेंडेंट होगा. आर वेरी करेगा तो हो सकता है कि वो एरिया पे भी डिपेंड करे. सेकेंड थिंग कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्स, काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्ट टेंजेंशियली और अपोजिट, अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन, टेंजेंशियली और अपोजिट टू मोशन टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है. अगर टेंजेंशियली होगा तो वो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, या एक्ट अपोजिट टू द मोशन, ये क्या होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करता है, ठीक. काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, फोर्थ लॉ लिख सकते हैं, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट. तो ये भी आपको याद रखना है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है उस पर वो डिपेंडेंट नहीं होगा बिल्कुल भी, वो इंडिपेंडेंट होगा. काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा, चाहे मोशन आपका स्लो हो या फास्ट हो, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या है, कॉन्स्टेंट है. सो इट इज कॉन्स्टेंट, कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं. एंड नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ इज द काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स आर. काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स आर, क्योंकि ज्यादा मास होगा, जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं, सिंपल सी, अगर आप अकेले साइकिल में चल रहे हैं तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा साइकिल को चलाने के लिए, लेकिन अगर पीछे आप किसी एक मोटे से तगड़े से आदमी को बिठा के चलाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इसका मतलब मास इंक्रीज, मतलब वेट इंक्रीज करेंगे, वेट इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और रिएक्शन फोर्स इंक्रीज होने से आपका जो एफ के है वो इंक्रीज होगा. तो इट मीन्स एफ के इज प्रोपोर्शनल टू क्या, आर. सो नाउ एफ के इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कोफिशियंट मतलब कॉन्स्टेंट आएगा म्यू के, एंड म्यू के इज कॉल्ड, म्यू के इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो आपका म्यू के है, म्यू के जो है वो क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. एंड म्यू के इज इक्वल टू, जो आपका म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर, क्या जाएगा, एफ के अपॉन आर. तो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं इसको, रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है. तो एफ के ये हो जाएगा, सिंपल है, तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा. तो हमेशा यहाँ पे आपको पता है कि एफ के इज, एफ के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस, एफ के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस मैक्सिमम. सो जो आपका म्यू के होगा वो हमेशा लेस होगा म्यू एस से, जो आपका काइनेटिक
जो सॉरी कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है ये हमेशा वन से क्या होता है, लेस होता है, क्या होता है, वन से लेस होता है, ठीक है, क्लियर है। किसी किसी सिचुएशन में एक आध केसेस आ जाते हैं जहाँ पे म्यू एस एन एफ के का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड आफ्टर देन वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लॉज ऑफ मोशन फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आई होप क्लियर हो गया होगा सारे टॉपिक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, थैंक यू, बाय बाय।